Hey guys, this is Sapna here and it's day 4 in Konkan. So welcome back to my YouTube channel. Today's vlog about a very beautiful and interesting fort of Ratnagiri. Ratnagiri Fort. इस फोर्ट को रत्नादुर्ग फोर्ट और भगवती फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये किला रत्नागिरी से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पर एंटर होते ही पहले मां भगवती जी का मंदिर आता है। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला कई दशकों तक मुगलों के अधीन रहा, जिस पर बाद में छत्रपति शिवाजी के राजवंश ने आदिल शाह से कब्जा कर लिया। धोंडू भास्कर नामक प्रतिनिधि ने 1710 में इस किले की मरम्मत करके अधिक मजबूत बनाया। यहाँ कैसे पहुंचे? यहाँ पहुंचने के लिए आप बाई कार और लोकल ट्रांसपोर्ट यानी कि ऑटो से भी आ सकते हैं। रत्नागिरी के हाफूस मैंगो काफी फेमस है, सो आप जब भी रत्नागिरी आते हो इसे जरूर खाएं या अपने साथ आप लेके जा सकते हो। Oh my God, ये मेरी रत्नागिरी में सबसे फेवरेट जगह बन चुकी है। यहाँ पर आके काफी सुकून महसूस होता है। ये रत्नागिरी फोर्ट के पीछे के हिस्से में आया हुआ है, तो आप जब भी रत्नागिरी फोर्ट विजिट करने आओ यहाँ जरूर आए। और यहाँ पे सनसेट और लहरों की जो आवाज आती है वो आपको एक अलग ही एनर्जी देती है। गाइस डोंट मिस दिस।
बिलीव मी गाइस, ये जगह काफ़ी खूबसूरत है और मैंने जैसे बताया ये तो मेरी अब तक की फेवरेट प्लेस बन चुकी है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये प्लेस कैसी लगी। सो गाइज, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड हाँ सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।